हर प्लेयर का ख्वाहिश होता है कि मैं अपने कौम के लिए खेलूं। ज़्यादातर अपने भाई की बॉलिंग देखी है और उसी को फॉलो करता हूं। फास्ट बॉलर जो होता है वो ग्रेशन उसका होता है और वो कोशिश करते हैं कि तेज़ से तेज़ बॉल करें। क्रिकेट है, अप एंड डाउन होता है। किसी भी की तरफ से अगर मुझे मौका मिलेगा, जहाँ पे भी होगा, रेड बॉल हो, वाइट बॉल हो, तो मैं अवेलेबल। तरह क्या ये पहली दफ़ा इस तरह ये इवेंट हो रही है, तो मेरे ख्याल से जो यंगस्टर है और जितने भी हमारे प्लेयर 150 उसमें यंगस्टर भी है और सीनियर प्लेयर्स भी है, तो मेरे ख्याल से यंगस्टर को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जितना यहाँ से सीखेंगे तो अच्छा होगा। उसके साथ मैंने प्रैक्टिस की और पहले भी करता रहा, लेकिन एक सीनियर के साथ खेलना ये हमारे लिए एक बड़ी बात होती है और जितना हम उनसे सीखे तो हमारे लिए अच्छा होता है। हर प्लेयर का ख्वाहिश होता है कि मैं अपने कौम के लिए खेलूँ और मेरा भी यही ख्वाहिश है और इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा पीसीबी की तरफ से तो ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। कि देखिए फॉर्मेट तो तीनों के लिए मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ। बाकी पीसीबी की तरफ से अगर मुझे मौका मिलेगा, जहाँ पे भी होगा, रेड बॉल हो, वाइट बॉल हो, तो मैं अवेलेबल हूँ। हुनैन तो कल मेरे ख्याल से फील्डिंग में उसको हुआ था और मैं उनके साथ ही था, तो इतना सीरियस नहीं है और इंशाल्लाह जल्दी ठीक होगा और मैचेस खेलेंगे इंशाल्लाह। देखिए पेस में तो यही है कि हर फास्ट बॉलर जो होता है वो एग्रेशन उसका होता है और वो कोशिश करते हैं कि तेज़ से तेज़ बॉल करें, तो मेरा भी इंशाल्लाह यही ख्वाहिश है कि स्पीड बॉल करूं और उसके साथ लाइन लेंथ पे ज़्यादातर से काम करूं। आपने बोला कि अभी उसका तो हर प्लेयर पर ही आता है और क्रिकेट है, अप एंड डाउन होता है, तो मेरे ख्याल से जितना मैंने उनसे सीखा और जितना मैंने उनके साथ उनको बॉलिंग की है, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा आगे भी, तो बहुत कुछ सीखा उससे। मैंने तो ज़्यादातर अपने भाई की बॉलिंग देखी है और उसी को फॉलो करता हूँ, उसी को देखता हूँ, तो वही है नसीम साहब।